आदिवासी बहुल खरगोन जिले के दूरस्थ गांवों में हर घर जल पहुंचाने की योजना से ग्रामीणों में खासा उत्साह बना हुआ है। जिले के 158 गांवों के हर घर में शुद्ध पानी सितंबर 2025 तक पहुंचेगा। दूरदर्शन समाचार की टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर आदिवासी अंचल के लिए इस महत्वाकांक्षी योजना का जायजा लिया। देखिएगा दूरदर्शन समाचार की ये खास रिपोर्ट। खरगोन जिले के आदिवासी अंचल के महाराष्ट्र के सीमावर्ती गांव सहित पहाड़ी इलाके में हर घर जल योजना से 158 गांवों में पानी पहुंचाने की कवायद को लेकर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। भगवानपुरा क्षेत्र के देजला देवड़ा समूह जल प्रदाय योजना के काम की शुरुआत अब युद्ध स्तर पर शुरू हो गई है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और राज्य की मोहन यादव सरकार के सहयोग से शुद्ध और स्वच्छ जल ग्रामीणों को मिलने के लिए जल जीवन मिशन के तहत करीब 250 करोड़ रुपए से अधिक की योजना के तहत हर गांव में पानी की टंकी बनाकर पानी सप्लाई किया जाएगा। आदिवासी बहुल जिले खरगोन के आदिवासी अंचल में पानी सबसे बड़ी समस्या आज भी बनी हुई है। लोग गर्मी में ही नहीं हमेशा दूर दूर से नदी नाले और खेतों से पानी लाने को मजबूर होते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीणों को शुद्ध और स्वच्छ पानी देने के लिए खरगोन के देजला देवड़ा बांध के पास पहाड़ी को खोदकर जल संयंत्र किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों से फिल्टर करके शुद्ध जल ग्रामीणों को अपने घर पर नल के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। हमारे गांव वाले खुशी है रहा। क्या खुशी है आपको? वो पानी अच्छा देगा, फिर खुशी है रहा। हमारे गांव सुख राजी है रहा, ये काम दे रहा। अच्छा, नहीं तो पहले कहाँ से लाते थे पानी? नंदीप से लाते। अच्छा, नदी नालों से? हाँ, नदी नाले से लाते। अच्छा, तो दूर दूर जाना पड़ता है? दूर जाना पड़ता है। आप क्या होगा, आप घर घर पानी है जाएगा तो अच्छा रहेगा, दूर जाना नहीं पड़ेगा। तो कितनी खुशी हो रही है? अच्छा खुशी है, सब गाँव वाले अच्छा कर रहे हैं, पानी देगा तो अच्छा रहेगा, ऐसा बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसा कह रहा गाँव वाले, खुशी है रहा। अभी पानी दूर से लाना पड़ता है नाले में से, टाइम हो जाता है अभी, कई सुविधा हो जाए तो अच्छे रहे। नहीं, आप बोल रहे हैं प्रधानमंत्री जी योजना लेके आए, घर घर पानी मिलेगा जल जीवन मिशन के तहत, तो कैसा लग रहा है आपको, कितनी खुशी हो रही है? हाँ, खुशी हो रही है, बहुत बढ़िया है। भैया हमारे घर नाली दूर है तो दूर दूर से पानी लाना पड़ता, बहुत दिक्कत पड़ती, तो कई हो जाए तो अच्छा है, बहुत टाइम भी खा जाता हमको। अच्छा, इतनी दूर से कब से लाए पानी, और पानी ले जाने में टाइम हो जाता, काम करेगा खेत में? कब करे काम? नहीं, आप जैसे घर घर पानी मिलने लगे, अब क्या सुविधा हो जाएगी? सुविधा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, मतलब सुविधा मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशानुसार जल जीवन निगम जो है वो देजला देवड़ा जो हमारा बांध है, हमारा तालाब है, वहाँ से पानी लिफ्ट करके और जो आसपास के 158 घर हैं, 158 गाँव हैं, उनमें पानी सप्लाई का कार्य कर रही है। लगभग 250 करोड़ की ये योजना है और इससे उस क्षेत्र के जितने भी, ये पूरा क्षेत्र आदिवासी अंचल है जहाँ पर पानी पेयजल घर घर जो है अभी तक पहुँचता नहीं है, वो कुओं के माध्यम से या हैंडपम्प के माध्यम से पेयजल का प्राप्त करते हैं, इनको इस योजना के माध्यम से उनके घर में जो है वो नल का जल प्राप्त होगा, शुद्ध पानी प्राप्त होगा। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, इसके माध्यम से वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उसमें जो शुद्ध पानी जाएगा तो बीमारी का जो प्रतिशतता है या जो संभावना रहती है उसमें भी कमी आएगी, और जो वहाँ का उत्थान है और जो वहाँ का स्वास्थ्य का पैरामीटर भी ऊपर होगा, पानी की उपलब्धता भी बनेगी और साथ साथ में जनता का ओवरऑल जो अपलिफ्टमेंट है, विकास है, वो भी होगा। देजला देवाड़ा जलाशय पे पास, देजला देवाड़ा जलाशय पर आधारित 158 गाँव को समूह जल प्रदाय योजना के माध्यम से जल प्रदाय करने के लिए जल निगम की योजना क्रियान्वित की जा रही है और ये सितंबर 25 तक पूरी करना लक्षित है। 158 गांवों को पूरे वर्ष भर शुद्ध जल प्रदाय करने का इसमें प्रावधान रखा गया है। कितने की योजना है ये? अनुबंधित लागत इसकी 309.59 करोड़ है और सितंबर 25 तक पूरी करना प्रस्तावित है। क्या लाभ होगा सर इससे आदिवासी अंचल में? आदिवासी अंचल के सभी गांवों में घर घर जल पहुंचेगा, एक तो, दूसरा शुद्ध जल पहुंचेगा, जल जनित बीमारियों से
और कई प्रकार की स्वास्थ्यगत परेशानियों से इससे शुद्ध जल मिलने से निजात मिलेगी। इसमें मेरा तो कहना ये रहेगा कि भाई जो लोग अभी तक जाके घर से दूर अपने पानी पीने के लिए या अन्य कार्यों के लिए आते थे, अब सरकार के सहयोग से और हमारी मेहनत से ये पानी उनके घर तक पहुँच जाएगा और सबसे शुद्ध रूप में पहुँचेगा, जिसको पीने से उनके शरीर की बीमारियाँ ना बीमारियाँ आएंगी और ना कुछ बीमारियाँ एग्जिस्टिंग जो होंगी वो दूर भी हो सकती हैं, क्योंकि शुद्ध पानी पियेंगे, खाना सही हजम होगा, तो कई सारी जो गांव की समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी सर। कितने गांव में पानी पहुँचेगा? कितने तकरीबन 158 करोड़ में पानी पहुँचेगा, गांव में पानी पहुँचेगा ये, जिसकी लागत लगभग 250 से 275 करोड़ रुपये आने की संभावना है। किस प्रकार का काम चल रहा है अभी जो यहाँ पे काम चल रहा है? हम जो जल शोधन एवं जल शुद्धिकरण संयंत्र बना रहे हैं यहाँ पर, जो कि शोधन का आपने देखा होगा उस जो पीछे हमारे डैम दिख रहा है, उस डैम से पानी आएगा और उसके बाद यहाँ पर उसको शुद्ध करके और 158 गाँव से लेकर 175 गाँव में हर घर जल पहुँचाया जाएगा।